दोस्तों स्वागत है मेरी इस चैनल मैन्युफैक्चरर्स गाइड में, जहां पर 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने हमारे चैनल को इतना सारा प्यार दिया है, तो मेरा दिल से शुक्रिया। जहां पर मैं आपके लिए लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज लेकर तो आता ही हूं, बट सारे बिजनेस की डिटेल जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। सो हमेशा की तरह मैं आपके लिए ऐसा ही न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं, जहां पर मैं आ गया हूं अलाहाबाद वाराणसी में एहसान एंटरप्राइज से एहसान सर से मिलना, जहां पर सर आपके लिए ऐसी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं जो आज फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के थ्रू लॉन्च होने वाला है। और ऐसे बिजनेस आइडियाज मेरे चैनल के थ्रू लेकर आता हूं, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे न्यू बिजनेस आइडियाज लेकर आने के लिए। और आज का हमारा लाइक्स का टारगेट है टोटल 50,000 लाइक्स। तो आइए जानते हैं सर से कि क्या है आपके लिए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आप लो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो। हेलो सर। हेलो सर, नमस्कार सर, कैसे हैं सर? सर हमारे जो व्यूअर्स है वो मुझसे मेल्स में, मैसेजेस में, फिर कमेंट बॉक्स में ऐसे ही पूछते रहते हैं कि सर ऐसा कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाओ जो हम लोग कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते, या फिर जिसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है, तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या फिर बड़े प्रोजेक्ट को कैसे हम लोग छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट कर सके। तो जरा बताइए आपकी कंपनी के बारे में और क्या है आपकी तरफ से बिजनेस। सर सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा जो आप हमारे यहाँ आए हुए हैं हमारी कंपनी के अंदर। मेरी कंपनी जो एहसान एंटरप्राइजेज है, जो कि वाराणसी इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच भदोही डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये मशीन हमारे यहाँ मशीन मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जो कि एक बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडियाज लेकर आया है, जो कि हमारी कंपनी एक ऐसी मशीन बनाई है जो आपने कभी न सोचा होगा ना तो कभी आज तक देखा है कि ऐसी मशीन सच में है या नहीं। अच्छा। और इतने कम इन्वेस्टमेंट में सर बिजनेस है, लेकिन मेरी कंपनी इतना कम इन्वेस्टमेंट में ये मशीन लेकर आई है कि सर आप सोचेंगे कि इतना सस्ता कहाँ से है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ छोटी मशीन पहले लगाएं, छोटी मशीन से इन्वेस्ट करें, कस्टमर बनाएं, दुकान बनाएं, जैसे आपका काम बढ़ रहा है तो आप बड़ी मशीन लगाएं, बड़ी मशीन भी हमारी कंपनी आपको देगी। अगर आपको बड़े इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट कर ले तो ज़्यादा बेटर है, मार्केट का आइडिया आ जाएगा, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस बढ़ा कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो ये अपनी मैनुअल मशीनें हैं, ये अपने यहाँ अपने भारत की पहली तो भारत की मशीनें हैं, दूसरा जो आप प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो भी भारत का ही रहेगा, सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा आप अपने भारत में विकास करने वाले हैं, अगर अपने देश का विकास हुआ तो अपना विकास हुआ सर। तो आगे की वीडियो में सर हमें बताएंगे डेमो कि कैसे जो आज फर्स्ट टाइम जो मशीन लॉन्च होने वाली है उसका पूरा डेमो बताएंगे, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा, मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रॉफिट मार्जिन लागत वगैरह कितना होगा, सारा कुछ सर डिटेल में समझाने वाले हैं। तो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए, जिससे कि आपसे इस बिजनेस के बारे में जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए सर बताइए। चलिए सर मैं मशीन के पास चलता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने फैक्ट्री के अंदर। मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट बनाने का विधि कैसा होगा, किस तरीके से बनाया जाएगा, कि अब किस तरीके से इसका रॉ मटेरियल है और कैसे बनेगा, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से बन रहा है। हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको एक छोटा सा तराजू लेना है, जैसे आप कह सकते हैं ये इस तरीके का, इससे बड़ा भी आप ले सकते हैं और जैसा आप यूज करना चाहें। इससे आपका वजन वेट तोलने के लिए होता है। सबसे पहले एक आप बकेट लेंगे या कोई बर्तन जैसा आप चाहें उस तरीके का लेकर, लेने के बाद आपको सबसे पहले जो प्रोडक्ट यूज बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रीमिक्स पाउडर मिलाना पड़ेगा, जो इस तरीके का पाउडर है। आप देख सकते हैं कि ये मैं पाउडर मिलाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों देखिए, प्रीमिक्स पाउडर हमारा 500 ग्राम हो गया। अब मैं इसके साथ जो मिलाने जा रहा हूँ जोश पाउडर है, जो 30 ग्राम रहेगा। जोश पाउडर आप ये देख सकते हैं, ये आपका जो दूसरा पाउडर मिलाने जा रहे हैं ये जोश पाउडर है, ये आप देखिए जोश पाउडर मिला दिया गया है। अब इसको पहले मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद आपको पानी मिलाना है। दोस्तों ये देखिए कितना आसानी से मिक्सिंग हो रहा है। मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसके अंदर पानी मिलाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। वो भी वज़न ध्यान रखना कि किस तरीके का क्या वज़न रहेगा आपका। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं ये पानी मिलाया जा रहा है प्रोडक्ट के अंदर। अब ये पानी मिलाकर फिर इसको हम हाथ से इसको पूरी अच्छी तरीके से मिलाएंगे। ये पूरी तरीके से मिक्स हो रहा है हमारा प्रोडक्ट बनने के लिए। अब करीब आटा जैसे गूंथते हैं, आटा जैसे आप गूंथते उस तरीके से इसको पूरा अच्छे से मिला लेना है। हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा मटेरियल बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरीके का ये पूरा गोला बन जाएगा। अब इसको आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं, एक आटे की उसकी तरह बन गया है। आप इसको फर्स्ट क्लास, अब ये पूरा मटेरियल तैयार है। इस तरीके से आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। हाँ दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अब दूसरा रॉ मटेरियल इसके साथ क्या लगने वाला है। तो एक केमिकल लगने जा रहा हूँ, जो कि एक केमिकल आप ये देख रहे हैं, दूसरा केमिकल हमारा ये है जो कि इसको मिला के हम मिक्स करेंगे।
अभी मैं चल के दिखाने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, मेरा ये दोनों केमिकल मिक्स होकर रखा गया है एक बकेट में, या किसी भी आप बर्तन ले सकते हैं उसमें आप मिला के रख सकते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं बन के रेडी है। हाँ दोस्तों, अब प्रोडक्ट बनाने से पहले मैं मशीन के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। ये मशीन जो है मैनुअली मशीन है, एक आदमी इसको काम कर सकता है, 12 से 13 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे जितना चाहे उतना चला सकता है ये मशीन। पैडल इसका आप देख रहे हैं इस तरीके से चलाया जाएगा। इसका ये पूरा प्रोसेस है, ये सिंपल एकदम मशीन है। इसकी वजन 80 से 1 क्विंटल के आसपास इसकी वजन है। आप ये मशीन से बहुत आसानी से बना सकते हैं प्रोडक्ट। हाँ दोस्तों, आप इसको मशीन को अपने घर पे लगा सकते हैं, बहुत छोटी जगह में लगा सकते हैं, 10x10 का भी जगह रहेगा तो उसमें भी आप प्रोडक्ट बना के तैयार कर सकते हो दोस्तों। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ प्रोडक्ट। हाँ दोस्तों, देखिए इस तरीके से आप रॉ मटेरियल काट लेंगे, काटने के बाद आपको मशीन में ले जाके डालना है। ये आप देख सकते हैं मशीन के अंदर आप डालना है। इसके साथ आप लगभग 600 से 700 ग्राम आप इसके अंदर एक साथ में डाल सकते हैं रॉ मटेरियल। तो सर अभी इसमें रॉ मटेरियल कितना जाएगा? सर इसमें 500 ग्राम रॉ मटेरियल जाएगा, जो आप देख रहे हैं डाल चुका गया है, रॉ मटेरियल फुल है इसके अंदर। अब मशीन को मैं कसने चल रहा हूँ कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से आपको घुमाना है और घुमाने के बाद इसको खूब अच्छे ढंग से आपको कस लेना है। कसने के बाद लॉक लगाना है, इस तरीके का देख रहे हैं लॉक लगेगा। अभी किस तरीके से प्रोडक्ट बनने जा रहा है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा। इस तरीके का आप स्टिक लेंगे, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, हमारे यहाँ भी मिल जाएगा इसको। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस तरीके का स्टिक रखना है और इसको इस तरीके से मशीन में अंदर डालना है दोस्तों। जैसे ही आप डालेंगे इसके बाद ये देखिए पैर से इसको एक बार स्प्रेस करेंगे, ये देखिए उस तरीके से आपका ये मटेरियल निकल के तैयार हो गया है। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ये अपना अगरबत्ती निकल रहा है। जैसे ही आपका अगरबत्ती ये निकल रहा है दोस्तों, ये देखिए पूरी तरीके से अगरबत्ती निकल के तैयार हो गया है। हाँ दोस्तों, ये हमारा अगरबत्ती भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मैं इसको दिखाने जा रहा हूँ इसके अंदर खुशबू कैसे आएगा, सेंट कैसे महकेगा, जो कि खुशबू लगाने के बाद घर में अगर इसको जलाते हैं तो खुशबू आता है वो किस तरीके से आएगा, उसका प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो सर यहाँ पे जो ये वेस्ट निकला है उसका क्या कैलकुलेशन है? ये आप जैसे भी आपका ये प्रोडक्ट है इसको आप उठाकर इस मशीन के अंदर फिर से इसको डाल सकते हैं दोस्तों, आपको कोई भी वेस्टेज नहीं जाने वाला है। हाँ दोस्तों, ये देखिए अगरबत्ती बन के मेरा तैयार है। अब इसको पूरा रबड़ से इसको बंद करना है, करीब 100 से 150 अगरबत्ती जितना आपको हो सके इसको इस तरीके से आपको बैंड करना है, रबड़ को इस तरीके से आपको ये बैंड कर लेना है। अब इसके बाद इसको बनाने के बाद आपको ले जाना है खुशबू के अंदर, जो अभी हमने केमिकल का बनाया हुआ है। इसको इस तरीके से इसमें बोरेंगे, डुबो कर इसके इस तरीके से आप देख रहे हैं इसे डुबो लेना है कुछ टाइम तक, थोड़ा वेट करना है, करीब 10 से 20 सेकंड तक इसको डुबा के रखना है केमिकल के अंदर। और इसके बाद डुबाने के बाद इसको फिर सीधा ऐसे निकालना है, निकाल के किसी दूसरे पैकेट के अंदर आपको इस तरीके से ऐसे ले जा कर रख देना है। तो ये थोड़ा टाइम तक वेट करेंगे तो ताकि पूरा खुशबू हमारा नीचे तक पहुंच जाए। आपको इस तरीके से बना कर पहले इसको सुखवाना है करीब 1-1.5 घंटे, जब इस तरीके से आपका पूरी अगरबत्ती सूख जाएगा। देख रहे हैं ये पहले से बना हुआ अगरबत्ती है। सूखने के बाद अब इसका नंबर आता है आपको पैकिंग करने का, कि इसको पैकिंग किस तरीके से करेंगे। इस तरीके का पैकेट आप आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें आपको। अगर ये नहीं मिला तो आप प्रोवाइड करोगे? हाँ, प्रोवाइड हो जाएगा और हर जगह मार्केट में मिल जाएगा बहुत आसानी से ये पैकेट आपको। अब इसके अंदर आपको पैकेट करना है कितना, अब इसके ऊपर आता है इसके अंदर आप कितना डालते हैं, 12 पीस डाल रहे हैं, 20, 25, 50, 100 जो भी डालते हो उस तरीके से रेट डिसाइड होगा। इसका जो MRP बनेगा, इसके अंदर जैसे मान के चलिए मैं 12 पीस डाल दिया, 12 पीस ऐसे आप गिन लेंगे आसानी से। गिनने के बाद इसको अंदर ऐसे डाल लेना है, इस तरीके से आप देख रहे हैं ये डल के तैयार हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर ये आपका एक डब्बा है जिससे आप इसको मार्केट में आसानी से बनवा सकते हैं। ये छोटे में भी आता है, काफ़ी बड़े में भी आता है। आप इस तरीके से जितना आप डालना चाहते हैं इसके अंदर, क्या कॉस्ट आ रहा है कॉस्ट देखते हुए इसके अंदर आपको डालना है। okay. इस तरीके से आपको डाल के तैयार करके आपको पैकेट कर देना है, ये आपको मार्केट में आसानी से तैयार हो जाएगा। इस तरीके का आपका कोई दूसरे ब्रांड का है, आप अपनी खुद का ब्रांडिंग करा के पैकिंग करा सकते हैं दोस्तों। तो सर हम लोगों ने अभी अगरबत्ती तो बना ली ये छोटी सी मशीन में जी, इसकी बनाने की लागत कितनी होगी और मार्जिन कितना होगा वो ज़रा बताइए। हाँ सर, ये हमारी जो मशीन है दिन भर में अगर 12 घंटे आदमी काम कर सकता है तो लगभग 10 से 12 किलो अगरबत्ती बना सकता है। 1 किलो में समथिंग 1000 से ज़्यादा अगरबत्ती ये बनेगा। अच्छा, और एक पैकेट जो आता है, जैसे आप इस तरीके का जो पैकेट है, अगर ये पैकेट बना रहे हैं, अब इसके अंदर आपके ऊपर है कि 12 अगरबत्ती डाल रहे हैं कि 15 डाल रहे हैं, 25, अलग अलग कंपनी अलग अलग अगरबत्ती डालती है। मान लो 20 अगरबत्ती हम डाल रहे हैं, उसका जो मार्केट में MRP है लगभग 10 से 12 रुपए का MRP है। अच्छा, और जो आपका लागत आ रहा है
4.5 से 5 रुपए का लागत आएगा, जो होलसेलर में आपको 6.5-7 रुपए के आसपास देना है। अच्छा। दुकानदार इसका 3 रुपए प्रॉफिट रख के बेचेगा। अच्छा, ये आपका लागत और प्रॉफिट है। तो सर अभी ये मैंने बना तो लिया, बट जब मैं मार्केट में जाऊंगा तो इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है और प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, मैं कितना कमा सकता हूँ, वो जरा बताइए हमारे पास। सर आपको पता है अगरबत्ती का यूज हर जगह है, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, बहुत सारी जगह अगरबत्ती का हर जगह यूज है। कोई दुकान भी खोल रहा है सुबह में तो अगरबत्ती का यूज कर रहा है। तो हर किराने की दुकान पे, हर परचून की दुकान पे, हर मतलब जितनी भी दुकानें आप देख सकते हैं, किराने की हो, होलसेल दुकान पे, आप इसको बहुत आसानी से दे सकते हैं, जो कि आपको बहुत आसानी से मार्केट में और बहुत ज़्यादा इसका खीस है। आपको पता है हर लोग, हर धर्म के लोग इसको यूज करने वाले हैं दोस्तों। राइट, हाँ दोस्तों, और आपको मैं बता दूँ, इससे आप अगर अगरबत्ती बनाए, इतना सारा प्रोसेस की, इतना मेहनत के बाद आदमी सोचता है कि मैं प्रॉफिट कितना कमा सकता हूँ, ये अगरबत्ती के जो प्रॉफिट रहेगा, अगर आप इस मशीन को लगाते हैं, जो ये छोटी सी मैनुअल मशीन है, तो मिनिमम आप 50 से 60 हज़ार रुपये से भी ज़्यादा महीने का कमा सकते हैं, जितना आप मेहनत कर सकते हैं, जितना आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। बनाने के ऊपर है सर, कितना ये प्रोडक्ट बनाएंगे और कितना मार्केटिंग करेंगे, कितना सेल कर लेंगे, सेल करने के ऊपर इनकम है। मिनिमम 50 से 60 हज़ार रुपये स्टार्टिंग आप कमा सकते हैं महीने का। अच्छा। ऊपर और ज़्यादा भी जा सकते हैं आप। ओके। इसके बाद इससे बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो आप लगा के और भी ज़्यादा, जैसे आपका मार्केट बढ़ेगा तो बड़ी मशीनें हमारे यहाँ अवेलेबल है, जो आप बड़ी बड़ी मशीनें भी लेकर, मतलब ज़्यादा अगर आपको लगता है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो आप हमारे यहाँ से बड़ी मशीन भी लेकर लगा सकते हैं दोस्तों। तो सर अभी जो सबसे मेन बात, ये मशीन का प्राइस कितना, इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी बिजनेस शुरू करने के लिए, वो ज़रा बताइए। सर इसका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, आपको 32,500 केवल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें प्लस आपका GST अलग से है, 32,500 प्लस 18% GST जो कि आपको लगेगा। हाँ दोस्तों मैं आपको बताऊँ, इस मशीन के साथ प्लस आपको GST लाइसेंस मिलेगा, समथिंग 1 किलो का हम आपको रॉ मटेरियल देंगे, जिससे आप ट्रेनिंग और मार्केटिंग आसानी से कर सकते हैं। बाकी का रॉ मटेरियल आप लेते हैं तो उसका चार्जेस अलग अलग रहेगा, जो आप हमें कॉल के जरिए पूछ सकते हैं। तो अगर आपको एक कम इन्वेस्टमेंट में अगरबत्ती बिजनेस शुरू करना है, तो सर का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सर का नंबर और एड्रेस है, तो आप उन्हें खुद मिलकर या फिर कॉल कर इस बिजनेस के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हो।